तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की कुटिया रेडी हो गई है जालियों में। पड़ी रहो ये गैल में, साधु संत चल जाए, उड़ उड़ रज मस्तक पड़े, सहज मुक्त हो जाओ। मोहिन नार नार के रूपा, अपन गारे चरित अनूपा। भक्ति जो है ये नारी, और लक्ष्मी जो है वो भी नारी जी। इस कारण से एक एक मिलेगी जी। यदि भक्ति करोगे तो भक्ति मिलेगी। घूम परत भा ढाबर पानी, जिम जीव माया लपटानी जी। चाहे जो कोई जीव हो, आकाश से बूंद गिरता है जी। तो जमीन में गिरने पर वो ढाबर पड़ जाता है जी। उसका पानी निर्मल होता है जी। जीव को उसी प्रकार माया, ये मिट्टी माया है जी, जी। ये पृथ्वी माया है जी। ये न होता तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है, और देखे कुटिया के चारों तरफ से महाराज जी कांटे की बाड़ लगाए हुए हैं, और ऊपर से भी महाराज जी कांटे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आइए सीधा अंदर के चलते हैं। ये देखिए बाहर एक बिल्ली भी है। ये महाराज जी सीताराम महाराज जी, सीताराम 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 महाराज जी भोजन प्रसाद हो रहा है जी जी जी। अच्छा क्या बना है महाराज जी आज? आज फलाहार है। अच्छा आज उपासे हैं क्या जी? आज क्या उपासे हैं महाराज जी? आज एकादशी है। एकादशी उपासे हैं, आमला एकादशी है। और कुटिया के ऊपर देखिए महाराज जी पन्नी और लकड़ियों का छप्पर बनाए हुए हैं। महाराज जी आप इस कुटिया में कब से भजन साधना कर रहे हैं? 20 साल हो गए रहते हैं। इस कुटिया में 20 साल हो गए, और इसके पहले महाराज जी कहाँ रहते थे? इसके पहले रहते थे वहाँ पीली कोठी के पास। अच्छा जी। तो महाराज जी आपकी तो ये बिल्कुल साधारण सी कुटिया है जी। किस से बनी है ये जी? मतलब ये पन्नी वन्नी डाल के आप? हाँ हाँ पन्नी वन्नी डाल के बनाए हैं। आओ और यदि कोई भक्त हो टीन दे सके, पाइप दे सके, अच्छा तो अति दया होगी। रिक्वेस्ट पर आज हम दोबारा महाराज जी की कुटिया में आए हैं, और महाराज जी को आज लेकर जा रहे हैं सीधा मार्केट, और महाराज जी को आज दिलाने वाले हैं टीना सेट और पाइप। तो आइए चलते हैं दोस्तों सीधा मार्केट, और वापस कुटिया में मिलते हैं। तो चलो चलोगे? इधर महाराज जी कुआं है क्या इधर? हाँ कुआं भी है उधर। अच्छा तो पानी वानी यहीं से लाते हैं? हाँ पानी वहाँ से लाते हैं। अच्छा तो महाराज जी कौन बनवाया है इस कुआं को? नहीं ये रजवाड़ा कुआं है। अच्छा राजाओं महाराजाओं का? राजाओं महाराजाओं का। अच्छा और इंगल की रवानगी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और महाराज जी को भी इसी में बैठा दिए हैं, सीधा अपनी कुटिया की ओर लेके जा रहे हैं। मैं पीछे पीछे मोटरसाइकिल से जाऊंगा, और महाराज जी अपना इसमें चल दिए हैं। अब यहां से दोस्तों हमारी गाड़ी जो है जंगल के अंदर के लिए जाएगी। गारू है भैया? महाराज जी इधर से बन गया जी? हाँ अधूरा है अभी। अच्छा और जहाँ पिलर खड़े हो गए बस इधर उधर जुड़ाई करा के। अच्छा अब मतलब इधर से आपकी दीवार हो गई? अब इधर भी हो गई और इधर भी ये दीवार हो गई जी। अभी ऊपर से थोड़ा शेष है जी, और सामने से महाराज जी जाली जाली हाँ ऊपर जो है टीना लगेगा गया है। तो आज हम महाराज जी को लेकर जा रहे हैं दरवाजा और जाली लेने के लिए, और ये इस तरह का दरवाज़ा अभी महाराज जी लकड़ियों का लगाए हुए हैं कांटों का, और जाली की जगह में ये देखे कांटों के टट्टा लगे हैं। तो आज हम महाराज जी की कुटिया में जाली और दरवाज़ा लगवाए देते हैं। चलो महाराज जी फिर चलते हैं। ये महाराज ठीक है महाराज जी, समय लोड हो रहा है। और जाली भी लोड कर लिए हैं, अब देख सकते हैं। महाराज जी कुटिया की ओर जा रहे हैं, हम पीछे पीछे मोटरसाइकिल से आएंगे,
और महाराज जी को रिक्शा में बैठा दिए हैं। महाराज जी आपका पूरा सामान हो गया जी। ये आपका दरवाजा हो गया हाँ, और आपकी सेवा में ये फोल्डिंग हो गई प्लाई वाली जी, और ये चार जाली हो गई हाँ, तो फाइनली दोस्तों आप सभी लोगों के सहयोग से महाराज जी की कुटिया बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। आइए अंदर चलकर आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए बाहर से महाराज जी बढ़िया जाली लगवा लिए हैं और ये महाराज जी का प्रवेश द्वार है। सीताराम महाराज जी, सीताराम महाराज जी, आपकी कुटिया कंप्लीट हो गई जी, कंप्लीट हो। महाराज जी आपके लिए थोड़ा मैं राशन सामग्री लाया था जी। इसमें सब्जी है जी, इसमें चावल है जी, और आटा है महाराज जी जी, मूंग की दाल है और मसाला और तेल। सहयोग कर दिए भक्त लोग तो सबकी सहयोग से हो गया, ये सब उन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं है जी। सब कामतानाथ का है जी। भगवान उनको खूब कल्याण करे, उनका परिवार सुखी रखे। गंगा जमुना में जब तक पानी रहे तब तक उनका जी औलाद आबाद रहे। महाराज जी अभी इसमें जाली में पेंट भी तो करना पड़ेगा। हाँ, पेंट करना पड़ेगा और यहाँ प्राइमरों लाना है, प्राइमर पुताना पड़ेगा हाँ, क्योंकि लोहा जंग खा जाता है जी। तो जब पेंट प्राइमर हो गया तो नहीं पकड़ता है जी। हाँ, तो महाराज जी भोजन प्रसाद बन गया? अभी तो नहीं बना सीताराम। तो क्या बनेगा महाराज जी? सब्जी हो, सब्जी और टिक्कर जी। महाराज जी की अभी सब्जी पक रही है, इसके बाद टिक्कर बनेंगे। और ये महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य हैं, बहुत ही सुंदर और रमणीय कुटिया महाराज जी की अब लगने लगी है। और आप देख सकते हैं कि जालियों में फ्रेमिंग हो गई है, आप देख सकते हैं इस जाली में। देखे ये महाराज जी का दरवाज़ा है इधर, और ये तीसरी वाली जाली है, और सब में फ्रेम लगा कर दीवार में कसवा दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये भी जाली है और ये देखे फ्रेम लगा हुआ है। देखे दोस्तों महाराज जी का चूल्हा किस तरह का है, पीछे सब्जी पक रही है और आगे महाराज जी तवा चढ़ा दिए हैं टिक्कर बनाने के लिए। महाराज जी बेल के बनाया करते हैं जी, कहीं बेल के कहीं हाथों से। अच्छा, दोनों तरह बन जाती हैं। हाँ, कुटाई उटाई कर रहा तो चूना उना तमाम गिरा रहा है। हाँ, तो भी महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? बस एक ही बार। फिर महाराज जी भूख नहीं लगती? नहीं, तो वही रखा रहा जो बच गया हाँ, दूसरी मीटिंग को। अच्छा, हो गया। देखे दोस्तों महाराज जी की सब्जी है, पक गई है और टिक्कर भी महाराज जी के रेडी हो गए हैं। महाराज जी दांत अभी आपके काम कर जाते हैं? दांत काम कर जाते हैं भैया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी अब भगवान का भोग लगाएंगे। तो
तो फाइनली दोस्तों आप लोगों के सहयोग से महाराज जी की कुटिया का निर्माण कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं ये सामने से जाली लग गई है और जाली में फ्रेम लगवा दिया गया है और ऊपर से टीना पड़ गए हैं। टीना के ऊपर से महाराज जी से कांटे डाल दिए हैं क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं इसलिए। और एक दो तीन और ये चार चार जालियाँ लगी हैं और एक दरवाज़ा लगा है। पूरी जालियों में फ्रेम लगा हुआ है। तो दोस्तों संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।